तो भाई इंडियन ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से कुछ चीज़ें इलीगल हैं जिसमें कार में किए गए मॉडिफिकेशंस भी शामिल हैं। हालांकि फिर भी लोग इलीगल मॉडिफिकेशन कार्स में करवाते हैं और फिर हैवी फाइंस उन पर मारे जाते हैं। कार में एक दूसरे कलर का रैप करवाना उन्हीं इलीगल कामों में से एक है, पर फिर भी लोग अपनी कार में मोटे पैसे खर्च करके रैप करवाते हैं और जब पुलिस उसे पकड़ती है तो हैवी फाइंस तो मारती ही है, ऊपर से रैप भी उतरवाना पड़ता है। रूल सिंपली ये बोलता है कि आपकी कार का कलर आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मेंशन कलर से मैच होना चाहिए, पर अतरंगी दिखने के चक्कर में लोग महंगे रैप मोटा पैसा खर्च करके लगवाते हैं और कुछ केसेस में तो पैसा ही गाड़ी में लगवा देते हैं। तो ये वीडियो मिस्टर मन्ना ने एक फेसबुक ग्रुप पर शेयर किया था और कैप्शन में लिखा था कि ओनर यहाँ डिज़ायर की बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ डिज़ायर को बिल्कुल अतरंगी बना दिया गया जिसमें एक रुपये के सिक्के पूरी कार में लगाए हुए दिखाई देते हैं और पूरी कार एक के सिक्कों से रैप्ड है। यहाँ बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव होगी या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, पर अगले ही सिग्नल पर गाड़ी को रोका जरूर जाएगा और सवाल पूछ के फाइन जरूर मारे जाएंगे और अल्टीमेटली ये चीज़ गाड़ी से उतारनी पड़ेगी। चलो यहाँ तो फिर भी गाड़ी में ये चिल्लर ओनर के काम आ जाएंगे उतरने के बाद, पर जब आप अपनी गाड़ी में 40 से 50,000 रुपीस का रैप करवाते हैं कुछ अतरंगी दिखने के लिए तो उस 40-50,000 का नुकसान तो करते ही हैं, साथ ही फाइन देते हैं वो अलग। इलीगल कार रैप अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं तो एक आर्टिकल द वोकल news.com का सामने आता है जहाँ इंदौर पुलिस ने एक BMW 320D को रिसेंटली हैवी फाइन किया था जिसका कलर ऐसा था जो BMW के कलर शेड में ही नहीं आता था। पेपर चेक करने के बाद चीज़ें और ज़्यादा साफ थी और हैवी फाइंस इस कार पर मारे गए और पुलिस के पास भी आजकल ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो गाड़ी के रैप के वीडियोस भी उन्हें ऑनलाइन मिले जिसमें अरुण पवार के चैनल का भी एक वीडियो शामिल था। बाकी 48,000 रुपीज़ लगाकर फाइनली बॉडी कलर चेंज करने और नंबर प्लेट के ना होने की वजह से गाड़ी को इम्पाउंड कर लिया गया। सो सिंपल सी बात यह है कि इस रैप के खेल में अल्टीमेटली आपका नुकसान ही होता है जब तक रैप का कलर बॉडी कलर से मैच ना करता हो, और पुलिस के फाइन मारने पर जिसने रैप किया है वो ना फाइन भरेगा ना ही जिम्मेदारी लेगा और आपके पैसों का बस नुकसान होगा। तो होपफुली ये वीडियो से सीख लेते हुए आप ऐसी गलती नहीं करेंगे और ऐसे उल जलूल हरकत करते नज़र नहीं आएंगे जिसमें लोग गाड़ी के ऊपर चिल्लर की चादर तक चढ़ा रहे हैं। आप कैसे रैप के बारे में क्या सोचना है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।